इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर अपने ही तीन साथियों की बड़ी ही क्रूर हत्या देखने के बाद भी माथे पर न चिंता की रेखा, न आंख में रत्ती भर डर, और फिर धर्म रक्षा के लिए अपना शीश भी कटवा दिया, परंतु झुकाया नहीं। एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व, शांति और शौर्य का संगम, शस्त्र और शास्त्रों का दुर्लभ संयोग। सिख धर्म के छठे गुरु, पिता गुरु हरगोविंद सिंह जी और माता नानकी देवी का सबसे छोटा पुत्र था त्यागमल, जिनका जन्म अप्रैल 1621 अमृतसर पंजाब में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अन्य भाषाओं, धर्मग्रंथों और शास्त्रों के साथ तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे शस्त्रों तथा घुड़सवारी की भी शिक्षा प्राप्त की। लगभग वर्ष 1633 में उनका माता गुजरी से विवाह हुआ। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पिता हरगोविंद सिंह के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय दे करतारपुर को मुगलों से बचा लिया। युद्ध में पुत्र की ऐसी शूरवीरता देख उन्होंने त्यागमल को तेग बहादुर नाम दिया। लगभग वर्ष 1644 में पिताजी के कहने पर तेग बहादुर जी अपने परिवार के साथ बकाला गांव में स्थानांतरित हुए और पिता की मृत्यु के बाद भी वहीं पर रह अपना ज्यादातर समय आध्यात्मिक कार्यों और ध्यान में व्यतीत करने लगे। उस दौरान सिख धर्म के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हुई और गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु बने। उनके गुरु बनने के प्रसंग की भी एक रोचक कथा प्रचलित है। जब 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी मृत्यु के निकट थे, तब उनके अनुयायियों द्वारा गुरुगद्दी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, बाबा बकाला, यानी गुरुगद्दी के उत्तराधिकारी उन्हें बकाला गांव में मिलेंगे। और गुरु हरिकृष्ण राय जी की मृत्यु के बाद बकाला गांव में कई लोग अपने आप का गुरु होने का दावा करने लगे। उस दौरान एक गुरु भक्त मक्खन चांद लुबाना नामक व्यापारी ने अपने जीवन की अत्यंत नाजुक, जोखिम भरी घड़ी में सच्चे हृदय से गुरु का स्मरण कर उन्हें 500 सोना मोहरे दान करने का मन ही मन में निश्चय किया था। अब ऐसी स्थिति में वास्तविक गुरु को प्राप्त करने के हेतु से उन्होंने बकाला गांव जा कई स्वघोषित गुरुओं के पास जाकर सबको 2-2 सोना मोहरे का दान करने लगे। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर के पास जा मक्खन झा ने 2 सोना मोहरे उनके पास भी रखी और फिर चलने लगे। तब गुरु बोले, आपने तो 500 सोना मोहर दान करने का निश्चय किया था, यह तो उससे बहुत ही कम है। और मक्खन झा गुरु तेग बहादुर के चरणों में गिर पड़े। मक्खन झा ने स्वयं ही मन में किए हुए दान करने के निश्चय को गुरु ने जान लिया था, ऐसी अलौकिक दिव्य दृष्टि। और फिर मक्खन झा ने सबको हर्ष से बताया कि उन्होंने गुरु को ढूंढ लिया है, गुरु तेग बहादुर ही वास्तविक गुरु है। और वर्ष 1664 में वे 9वें गुरु के रूप में अभिषिक्त हुए। गुरु बनने के बाद उन्होंने प्रजा की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए प्रदेश का दौरा किया। उस दौरान गरीब, निष्प्राण, जजिया कर, धर्म परिवर्तन के लिए मुगल अत्याचारों से दबी हुई प्रजा की दुर्दशा देखी। गुरु पिता हरगोविंद सिंह को मुगल अत्याचारों का सामना करने के लिए तलवार उठानी पड़ी थी, पर अब की स्थिति तो उस दिन से भी काफी भयावह थी और उसका सामना करने के लिए उन्होंने समाज उत्थान के प्रयत्न शुरू किए। उन्होंने मुगलों की आंखों से दूर प्रकृति की गोद में अपना कार्य केंद्र आनंदपुर को बना, वहाँ निवास कर प्रजा की आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर कार्य में जुटे। समाज को मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने प्रकृति, ईश्वर, परमात्मा, शरीर, मन, संबंध, सेवा, मुक्ति जैसे कई विषयों पर अनेकों काव्यात्मक कृतियां लिखी। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उन्होंने 116 श्लोकों और पदों का योगदान दिया। वे जन जागृति के लिए देश भ्रमण करने निकल पड़े। उत्तरीय भाग पंजाब से निकलकर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचे। उस बीच वर्ष 1666 में माता गुजरी ने गुरु गोविंद सिंह को पटना में जन्म दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपना जन जागृति कार्य चालू रखा। असम और अन्य पूर्वीय क्षेत्रों का भी दौरा कर असम के राजा चक्रध्वज सिंह के विरुद्ध लड़ने के लिए मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे राम सिंह का असम राजा के साथ संधि करने के लिए मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने आश्रय के लिए धर्मशालाओं का निर्माण, कुएं खुदवाना, गुरुद्वारों की स्थापना जैसे कई कार्य किए, अंधविश्वास की आलोचना की और समाज में नए आदर्श स्थापित किए। मुगल शासन में भयंकर निराशा में डूबे लोगों को
अपने आप से मृत्यु का भय निकाल अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित किया और समग्र देश से असंख्य लोग उनके साथ जुड़ने लगे। अपनी यात्रा पूर्ण कर गुरु तेग बहादुर आनंदपुर वापस लौटे। औरंगजेब के अत्याचार हर दिन नई सीमाएं छू रहे थे। बहु बेटियों की लाज पर संकट था। स्त्रियों का अपहरण होना, पानी के तालाब कुएं में हड्डियों का फेंका जाना, धर्म स्थलों का विध्वंस, मूर्तियों को तोड़कर सड़कों पर फेंकना जैसे आम बात हो गई थी। ऐसे समय में चपरन धर्मांतरण और उसके लिए किए जाने वाले अत्याचारों से त्राहित हो कुछ कश्मीरी पंडित सहायता के लिए गुरु तेग बहादुर के पास आए। तब गुरु तेग बहादुर ने गंभीर स्वरों में कहा, अब तो एक ऐसे बलिदान की आवश्यकता है जो प्राण रहित समाज को अंदर से झकझोर कर रख दे और ऐसे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट हो प्रतिकार करे, मृत्यु के भय को निकाल भारत माँ की संस्कृति की रक्षा करे। और यह सुन पास में बैठे मात्र 9 वर्ष के पुत्र गोविंद सिंह जी बोले, पिताजी ऐसे कार्य के लिए आपसे योग्य कोई पुरुष नहीं, आप इनकी रक्षा अवश्य करें। और पुत्र के यह वचन सुन गुरु तेग बहादुर जी ने आंखों में संतोष और गर्व के साथ कश्मीरी पंडितों से कहा, आप औरंगजेब से जाकर कहें कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करेंगे, परंतु अगर वह नहीं करेंगे तो आप जबरन इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए हमें बाधित नहीं करोगे। और औरंगजेब ने इस बात का स्वीकार कर गुरुजी को इस्लाम में धर्मांतरण करवाने के प्रयास आरंभ किए। लालच, पद, धन, संपत्ति, सत्ता कुछ भी काम नहीं आया। तब उन्हें उनके 3 साथी भाई मतीदास, भाई दयालदास और भाई सतीदास के साथ बंदी बना अनेकों तरीकों से प्रताड़ित करना भी शुरू किया, पर फिर भी वे सारे अपने धर्म पर अडिग रहे। तब एक दिन इस्लाम धर्म न स्वीकारने के दोष में सारे शहर के सामने खुले चौक में गुरु तेग बहादुर की आंखों के समक्ष बड़ी ही क्रूरता के साथ भाई मतीदास को बांध आरी से शरीर को मध्य से काटा गया, भाई दयालदास को उबलते तेल के कढ़ाव में डाल दिया गया, भाई सतीदास के शरीर को रुई से लपेट कर जिंदा जला दिया गया। ऐसे क्रूर, निर्दयी और अमानवीय कृत्य के बाद भी निर्लज औरंगजेब ने गुरुजी को फिर से अपने निर्णय पर विचार करने को कहा, परंतु ऐसी क्रूरता और अमानवीय व्यवहार भी गुरु तेग बहादुर जी की धर्मनिष्ठा रत्ती पर भी निगाह नहीं पाई और अपने निर्णय पर अडिग रह औरंगजेब से कहा, ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और वह रास्ता चुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। तुम सच्चे मुसलमान नहीं, तुम्हारा इस्लाम धर्म तुम्हें यह अनुमति नहीं देता कि किसी को भी जबरन अपने धर्म में परिवर्तित करो। और औरंगजेब ने यह सुन आग बबूला हो गुरु का शीश काट कर मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 24 नवंबर वर्ष 1675 लाल चौक में सारे शहर के सामने ध्यान मुद्रा में ली गुरु का शीश काट दिया गया। भीड़ में से भाई जेता गुरु का शीश लेकर अनंतपुर पहुंचे और गुरु शीश का अंतिम संस्कार किया। गुरुदेव का अंतिम संस्कार लखीशाह ने दिल्ली के पास रायसीना गांव में किया, जहां पर आज रुकाबगंज गुरुद्वारा है। और वह स्थल जहां पर गुरु ने अपना शीश कटवा दिया था, उस शहीदी स्थल को शीशगंज साहिब से जाना जाता है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनके बलिदान से समाज दहल गया, समाज में प्राण ऊर्जा का संचार हुआ, लोग मुगल अत्याचारों का प्रतिकार भी करने लगे। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुपद संभाला और मुगल अत्याचारों से सशस्त्र लड़ने के लिए एक योद्धा खालसा पंथ की स्थापना की और अनेकों लोग अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना एक ही उद्देश्य से उनके साथ जुड़ने लगे। आज भी उनका बलिदान हमें जागरूक हो मृत्यु के भय को त्याग, अन्याय, अत्याचार, क्रूरता के विरुद्ध खड़े हो आवाज बुलंद कर समय आने पर धर्म रक्षा हेतु बलिदान देने की निरंतर प्रेरणा देता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष के ऐसे वीरों की संतान हैं। ऐसे हमारे वीर पूर्वजों को स्मरण कर भले ही आंख में अश्रु हो, परंतु मन में उमड़ रहे गर्व और अभिमान की अनुभूति को शब्दों में वर्णन करना अत्यंत कठिन। हम सदा ही उनके ऋणी रहेंगे।